Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। आज हम मौजूद है रांची के राजभवन के समीप में, जहां पे भारतीय सूचना अधिकार मंच ने धरना प्रदर्शन किया है। आज हम जानेंगे कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किस संदर्भ में किया है। नमस्कार सर, आपका स्टार डी न्यूज में स्वागत है। धरना प्रदर्शन किस संदर्भ में किया है? अभी जो ये धरना हो रही है तो झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 2006 में हुआ था। उस समय एक सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त की बहाली लेना था। उस समय एक सूचना आयुक्त और 6 सूचना आयुक्त की बहाली हुई थी, जिसमें सब लोग बारी बारी करके रिटायर हो रहे हैं। आज आयोग की ये स्थिति हो गई है कि मात्र एक सूचना आयुक्त बचे हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का जो सुनवाई का जो कार्य था वो बाधित है। आज आयोग में कोई काम नहीं हो रहा है। अपील करता है, इस ठंडा के दिन में डेली आ रहे हैं और बिना सुनवाई के ही वो लोग वापस जा रहे हैं। तो हम लोग ये धरना दे रहे हैं कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग जो है वो राज्यपाल महोदया और चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अविलंब वहाँ सूचना आयुक्त कार्यवाहक सूचना आयुक्त का बहाली करे और आयोग को सुचारू रूप से चलाए। साथ ही हम लोग चुनाव के बाद यहाँ पे सूचना आयुक्त की बहाली के लिए हम लोग धरना देंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। फिर भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप इस पे सरकार से फिर क्या बोलेंगे? हम लोग अगर नहीं धरना हमारी मांग पूरी होगी तो हम लोग अनशन करेंगे, रोड पर उतरेंगे। हम लोग गांधीवादी नीति से हम लोग जो है कि अपना आंदोलन पूरे झारखंड में चरणबद्ध चलाएंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। रविकांत पासवान, भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच का केंद्रीय अध्यक्ष हुए। इन लोगों का कहना है कि सूचना आयुक्त यहाँ पे नियुक्ति बहुत कम हो रही है। इनकी सरकार से मांग है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति यहाँ पे जल्द से जल्द हो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्टार डी न्यूज़ के साथ। अपनी सहयोगी अर्शी शमीम के साथ मैं पूजा भारती। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।